दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी जीरे और काली मिर्च वाला दूध पीने के फायदों के बारे में कि जीरे और काली मिर्च का अगर दूध पीते हैं, इसका सेवन करते हैं तो ये कई बीमारियों को दूर कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है और इसके क्या क्या फायदे हैं। लेकिन दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक जरूरी बात, हमारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों मौसम बदलते ही सर्दी जुखाम और फ्लू आदि की आम समस्या हो ही जाती है। ऐसे में इससे बचने के लिए आप जीरा और काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं, ये आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। दोस्तों इसके एंटीसेप्टिक और विटामिन मिनरल से भरे गुण सर्दी जुखाम में लड़ने में क्षमता रखते हैं। ये गर्म होता है इसलिए ये कप को भी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सुखा देता है। कप छाती में जकड़ जाने पर काली मिर्च और जीरा का सेवन करके आप राहत पा सकते हैं। ये आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो आइए जान लेते हैं इसे बनाना कैसे है और इसके अन्य और क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों जीरा और काली मिर्च वाला दूध बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ एक चुटकी जीरा पाउडर और एक चुटकी काली मिर्च की जरूरत है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दूध को गर्म करना है और उसके बाद एक ग्लास में आपको जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर दोनों ही डाल देना है। इसके बाद उबला हुआ दूध इसमें डाल देना है और इन तीनों को अच्छे से मिक्स करना है। ये तो हुआ कि इसे बनाना कैसे था, अब हम आपको बताएंगे कि आपको इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों इसका सेवन करने के लिए आपको रोज रात को सोने से पहले यानी खाना खाने के बाद आपको इसका सेवन करना है। अगर आप इसका नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी, यानी कि सर्दी जुकाम की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी और खांसी में भी काफी आराम मिलेगा। दोस्तों ये तो था कि इसे बनाना कैसे है और सेवन कैसे करना है, अब हम आपको बताएंगे कि इससे होने वाले अन्य फायदों के बारे में। दोस्तों जीरा और काली मिर्च में कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करता है जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। दोस्तों दूध भी उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है इसलिए रोजाना इसका सेवन आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में यानी नियंत्रित रखने में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों एक अध्ययन के अनुसार जीरा पाउडर शरीर में फैट को अवशोषित करने से बचाता है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। तो वही काली मिर्च में पेपरिन तत्व होता है जो कि फैट बर्न करने में मदद करता है, साथ ही ये शरीर से गंदगी को निकालकर वजन को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा जीरा व काली मिर्च में मौजूद विटामिन सी की मात्रा धमनियों पर पड़ने वाले दबाव के लिए भी जिम्मेदार खून को पतला करती है। यानी जीरा व काली मिर्च में मौजूद विटामिन सी जो है वो धमनियों पर पड़ने वाले दबाव के जिम्मेदार जो गाढ़े खून और पतला खून है उसे कम करती है। इतना ही नहीं रेड ब्लड सेल्स को भी ये हेल्दी बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को सही करके मांसपेशियों को आराम देता है। इसके अलावा दोस्तों जीरा और काली मिर्च दोनों ही पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए भी रामबाण इलाज माने जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों को पेट की समस्या रहती है, पेट दर्द या फिर और भी कोई सारी समस्या, उनसे भी ये निजात दिलाने में काफी मददगार होते हैं। इसे पीने से पेट में खाना पचाने वाले जूस बनते हैं, यानी कि जिन लोगों को अपच की समस्या है उनकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है जो कि पेट हमेशा दुरुस्त रखते हैं। दोस्तों इसके सेवन से डाइजेशन को भी मजबूत करता है। दोस्तों इन सभी बीमारियों और परेशानियों से बचने के लिए रोजाना अगर आप जीरे और काली मिर्च के दूध का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ये सभी समस्या जो है वो दूर हो गई है। तो दोस्तों ये था कि जीरे और काली मिर्च वाला दूध अगर आप पीते हैं तो किन किन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और कैसे खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।